पटना के बीएन कॉलेज में 7 करोड़ से बनेगा मल्टीपर्पज कॉन्फ्रेंस हॉल, होंगी ये सुविधाएं। प्रधानाध्यापक पद की परीक्षा के लिए 42 मजिस्ट्रेट रहेंगे तैनात। पटना में 25 केंद्रों पर होगा एग्जाम। बिहार के जमुई में मिला देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार। इस इलाके में 22 से 28 करोड़ टन सोना होने का अनुमान। कोरोना से अनाथ हुए पटना के बच्चों से पीएम मोदी ने किया संवाद। मिलेगा 4,000 रुपये का स्टाइपेंड। भागलपुर में सरकारी नौकरी की निशुल्क तैयारी। जानिए कब से शुरू होगी पुलिस पाठशाला। बिहार में 200 नए पुलिस थाने बनाने की तैयारी। कानून व्यवस्था को चुस्त करने में जुटी सरकार। पटना में महंगा हो गया ऑटो का सफर। अब न्यूनतम किराया 7 की जगह हुआ 10 रुपया। बिहार यूनिवर्सिटी में गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति का मामला पहुंचा कोर्ट। आवेदन के लिए फिर खुलेगा पोर्टल। राजद ने बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। जाने किसको बनाया प्रत्याशी। आरा में 8 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ। पूर्व सांसद आरके सिन्हा और कृषि मंत्री ने किया उद्घाटन। केरल के बाद अब बिहार में आएगा मॉनसून। 24 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। श्रमिक कानूनों का गंभीरता से होगा अनुपालन। सरकार 500 कारखानों में कराएगी सेफ्टी ऑडिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते सोमवार को देश भर के उन बच्चों से संवाद किया जिन्होंने कोरोना काल में अपने माता पिता को खो दिया। इसी के तहत उन्होंने पटना डीएम ऑफिस से जुड़कर बच्चों से बातचीत की और उन्हें संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने बच्चों से उनका हालचाल पूछा तथा सरकार की तरफ से सहायता देने की भी बात कही। इस संवाद में पटना से 9 बच्चे पीएम के साथ जुड़े। सभी बच्चे पटना डीएम ऑफिस में मौजूद थे। इन 9 बच्चों में 2 बच्चे महेंद्र, 2 बच्चे अनिसाबाद, 2 बच्चे विद्युत कॉलोनी, 1 बुद्धा कॉलोनी, 1 कंकड़बाग, 1 बेऊर के रहने वाले हैं। पीएम ने संवाद में इन सभी बच्चों से कहा कि वो अकेले नहीं हैं, सरकार उनके साथ है। उनके परवरिश की जिम्मेवारी भी सरकार उठाएगी। डीएम ऑफिस में मौजूद सभी 9 बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चाइल्ड की तरफ से सौगात दी गई। उन सभी बच्चों को डीएम चंद्रशेखर सिंह के द्वारा एक फाइल दी गई जिसमें एक आयुष्मान कार्ड थी, जिसकी मदद से जरूरत पड़ने पर उन बच्चों का 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में हो सकेगा। इसमें दी गई फाइल में एक बैंक पासबुक भी था। कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत 5 साल पूर्व शुरू की गई निशुल्क पुलिस पाठशाला को एक बार फिर से नए सिरे से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। बीते रविवार को भागलपुर एसएसपी बाबू राम के नेतृत्व में उनके कार्यालय में आयोजित बैठक के बाद पाठशाला का मानचित्र तैयार करने के लिए संयोजकों और शिक्षकों को कहा गया था। इसके बाद रविवार को पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों सहित फैकल्टी और शिक्षकों ने निशुल्क पुलिस पाठशाला को आगामी 1 जून से शुरू करने का निर्णय लिया है। 1 जून को पुलिस पाठशाला की पुनः होने वाली शुरुआत के पहले दिन जिला के वरीय प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे। निर्णय के अनुसार 1 जून से रोजाना सुबह 7 बजे से सैंडिंग कंपाउंड के ओपन ऑडिटोरियम में कक्षाएं चलेंगी। इसमें दर्जन भर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी भी कक्षाएं लेंगे। इसके अलावा शहर के कई चर्चित शिक्षक भी निशुल्क पाठशाला में अपना योगदान देंगे। बिहार सरकार ने राज्य में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कई योजनाओं पर विचार कर रही है। आबादी के अनुपात में पुलिस थानों की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार करीब 200 पुलिस थानों की संख्या में बढ़ोतरी करेगी। इसके लिए 200 से अधिक आउटपोस्ट को अपग्रेड करने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल राज्य में करीब 1094 पुलिस थाने हैं, जबकि ओपी को अपग्रेड होने के बाद पुलिस थानों की संख्या तकरीबन 1300 तक होने की संभावना है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार ओपी को पुलिस थानों के रूप में अधिसूचित करने का सैद्धांतिक रूप से निर्णय हो चुका है। अब इस पर जल्द से जल्द काम शुरू किया जाएगा। पिछले दिनों गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में भी ओपी को सशक्त कर उन्हें थानों के रूप में अधिसूचित करने के लिए प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया था। पटना में सोमवार से ऑटो का सफर महंगा होगा। आम लोगों के लिए यह एक बुरी खबर है। पटना में ऑटो का न्यूनतम किराया सोमवार से 7 की जगह 10 रुपये हो गया है। मतलब अब ऑटो पर चढ़ने के लिए कम से कम 10 रुपये चाहिए, जो अधिकतम 2 किलोमीटर के लिए होगा। बिहार राज्य ऑटो रिक्शा टेम्पो चालक संघ एक्टू, पटना जिला ऑटो रिक्शा चालक संघ सीटू और पटना महानगर टेम्पो चालक संघ की बीते बुधवार को हुई संयुक्त बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार न्यूनतम किराया अधिकतम 2 किलोमीटर तक की दूरी के लिए होगा। अन्य तरह की वृद्धि को ऑटो यूनियनों ने पेट्रोल और डीजल के दाम में बीते दिनों आई गिरावट को देखते हुए तत्काल रोक दिया है। ऑटो यूनियन नेताओं ने कहा कि आम आदमी के जेब पर पड़ने वाले भार के मद्देनजर आरटीए बोर्ड महंगाई का सटीक मूल्यांकन कर ऑटो रिक्शा किराए का निर्धारण करेगा, जिसके लिए वे पहले ही परिवहन विभाग को प्रस्ताव दे चुके हैं। पटना शहरी क्षेत्र के साथ साथ दानापुर, फुलवारी शरीफ, पटना जंक्शन एवं पटना सिटी में यह वृद्धि लागू की गई है।
बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति में पेच फंस गया है। पिछले साल अक्टूबर में विश्वविद्यालय की ओर से विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें नवंबर तक आवेदन का समय दिया गया था। बाद में उसे बढ़ाकर दिसंबर तक आवेदन लिया गया था। अभ्यर्थी 5 महीने में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने की टकटकी लगाए थे, लेकिन तब तक विश्वविद्यालय की ओर से दोबारा आवेदन के लिए पोर्टल खोलने का निर्णय ले लिया गया। इससे अभ्यर्थी आक्रोशित है। शनिवार को अभ्यर्थियों ने कुलसचिव से मिलकर इस पर आपत्ति जताई है। कुलसचिव प्रोफेसर आर के ठाकुर ने कहा कि रिजर्वेशन को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने कोर्ट में शिकायत की है, सरकार से भी निर्देश मिला है, इस कारण आवेदन के लिए दोबारा पोर्टल खोला जाएगा। हालांकि पोर्टल कब से कब तक खुलेगा यह नहीं बताया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि विश्वविद्यालय के कोई भी पदाधिकारी स्पष्ट बात नहीं कर रहे हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया संदेह के घेरे में है। हर बार तोड़ मरोड़ कर बातें बताई जा रही है। विश्वविद्यालय पहुंचे अभ्यर्थियों ने स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों से मिलकर प्रगति की जानकारी ली, तो बताया गया कि अभी आवेदन के लिए अगले महीने पोर्टल खुलना है। इससे नाराज अभ्यर्थी सीसीडीसी से मिले तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। बिहार विधान परिषद की रिक्त होने वाली 7 सीटों पर राजद की ओर से एकतरफा 3 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी गई है। पार्टी ने कारी सोहेब, मुन्नी रजक और अशोक कुमार पांडे को अपना प्रत्याशी बनाया है। बिहार विधान परिषद की 7 सीटों पर चुनाव होना है, इसी को लेकर इन उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। बता दें कि विधान परिषद के 7 सदस्यों का कार्यकाल 21 जुलाई को समाप्त हो रहा है। इनमें भाजपा के अर्जुन साहनी, जदयू के मोहम्मद कमर आलम, जदयू के गुलाम रसूल, जदयू की रोजिना नाजेश, जदयू के विजय कुमार सिंह, जदयू के सीपी सिन्हा और चंदेश्वर प्रसाद सिन्हा और वाईपी के मुकेश साहनी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। 6 सीट एनडीए की खाली हो रही है, जबकि 1 सीट मुकेश साहनी वाली खाली हो रही है। बिहार राज्य के किसानों की आय को बढ़ाने और खेती के नई तकनीक से अवगत कराने के उद्देश्य से आरा में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। 8 दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन पूर्व राज्यसभा सांसद आर के सिन्हा और बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने किया। इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन देश और दुनिया की प्रतिष्ठित कंपनी आगा मिल्क एवं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से कोइलवर के बहियारा गांव में किया जा रहा है। भोजपुर और शाहबाद के छोटे किसानों की आय में कई गुना वृद्धि करने और पूरी तरह से जैविक तरीके से कंद एवं सब्जियों की खेती पर विषमुक्त आहार अभियान की शुरुआत करने को लेकर प्रतिष्ठित कंपनी आगा मिल्क एवं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले कोइलवर प्रखंड के बहियारा गांव में 8 दिवसीय प्रैक्टिकल आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन पूर्व राज्यसभा सांसद आर के सिन्हा और कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर चर्चित जैविक कृषि वैज्ञानिक एवं मल्टीलेयर फार्मिंग के जनक कहे जाने वाले आकाश चौरसिया ने मल्टीलेयर फार्मिंग के तरीके और उससे होने वाली किसानों की भारी आय के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। बिहार में मॉनसून जल्द ही दस्तक देने वाला है। बिहार में कयास लगाए जा रहे हैं कि 7 से 8 जून तक मॉनसून आ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो केरल में 29 मई को ही मॉनसून आ गया है, जो पिछली बार 3 जून को आया था। इसके हिसाब से 9 दिन बाद 12 जून को बिहार में मॉनसून देखने को मिला था। इस हिसाब से बिहार में भी 7 से 8 जून तक मॉनसून के आने की संभावना है। वहीं आज बिहार के 24 जिलों में बारिश की स्थिति बनी हुई है, जिसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सुपौल, सारण, सिवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, जमुई और बांका शामिल है। बिहार राज्य के निबंधित कल कारखानों में सेफ्टी ऑडिट जरूरी होगा, ताकि 8,500 औद्योगिक इकाइयों में काम कर रहे लोगों की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीरता से श्रमिक कानूनों का अनुपालन कराने में जुटी हुई है। श्रम संसाधन विभाग ने सभी संबंधित इकाइयों में लगभग 2.5 लाख कार्यरत कामगारों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्पेशल सेफ्टी कमेटी का गठन किया गया है। श्रम संसाधन विभाग के अनुसार हर कल कारखाने में सेफ्टी कमेटी का गठन करना अनिवार्य है, जिसका कार्यकाल 3 साल का होगा। कमेटी की बैठक हर 3 महीने पर किया जाएगा। कमेटी के कारखाने में कर्मियों का अनिवार्य रूप से प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस व्यवस्था को निबंधित कल कारखानों में सख्ती से अनुपालन किया जाए। इस संबंध में कारखाना प्रबंधन की जिम्मेदारी भी तय की जा रही है और कार्यस्थल पर कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। निबंधित कर्मचारी यूनियनों को भी कहा गया है कि सेफ्टी कमेटी के उद्देश्य पर अमल कराने में सभी अपनी भागीदारी दें। एक महिला कर्मी और एक पुरुष कर्मी, प्रबंधन से एक पदाधिकारी जो समय पर निर्णय लेने में सक्षम हो, एक
एक मेडिकल अफसर, एक सेफ्टी अफसर, प्रोडक्शन से जुड़े एक कर्मी, जिस कारखाने में निबंधित यूनियन एक्टिव नहीं है वहां पर कमेटी गठन में सदस्यों का चुनाव कामगारों के जरिए किया जाए। नवासियों का खूबसूरत नजारों और गंगा की लहरों के बीच रोमांच के साथ सफर करने का सपना जल्द ही पूरा होने जा रहा है। दीघा से दीदारगंज के बीच जयप्रकाश गंगा पथ के पहले फेज का निर्माण कार्य अंतिम दौर में है। 4 जून से इस पथ का उद्घाटन किया जाएगा, जिसके बाद इस पर आवागमन शुरू हो जाएगा। हालांकि पहले यह दीघा से गांधी मैदान स्थित एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट तक शुरू किया जाएगा। इसके आगे के क्षेत्र का निर्माण अभी भी जारी है। निर्माण विभाग ने संबंधित निर्माण एजेंसी को 25 मई तक कार्य पूरा करने का अल्टीमेटम दिया गया है। बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि जयप्रकाश गंगा पथ की कुल लंबाई 20.5 किलोमीटर होगी, जिसमें से अभी 5.4 किलोमीटर का ही निर्माण कार्य पूरा हुआ है। वहीं इस पथ के निर्माण पर कुल 4,000 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा रही है। आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।